हे गाइस, वेलकम बैक टू सुनीता फूड एक्सप्रेस। तो गाइस, आज हम बनाने वाले हैं भगोने में चिकन, और एकदम देसी स्टाइल में बनाएंगे, बिना मसाला पीसे। तो आप वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, वीडियो के स्किप बिल्कुल मत कीजिए। और हमेशा की तरह अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो चिकन बनाने के लिए मैंने यहाँ पे प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और अदरक लहसुन को मैंने कूट लिया है, उसका पेस्ट बना लिया है। फिर हम भगोना रखेंगे गैस पे, फिर इसमें डाल देंगे तेल। और तड़के के लिए मैंने लिया है दो तीन टुकड़े दालचीनी और दो तीन लाल मिर्च और थोड़ा सा जीरा। फिर हम उस उसी तड़के में जो जो काटे सब डाल देंगे, फिर धीमी आंच पे पकने देंगे। इधर मैंने चिकन को बहुत अच्छे से क्लीन कर लिया है, मैंने हाफ के जो चिकन लिया। तो जब हमारा प्याज आधा गलेगा, पूरा नहीं गलाना है, फिर इसमें हमने चिकन को डाल देंगे। फिर स्वाद अनुसार नमक, हल्दी और फिर डाल देना है लाल मिर्च पाउडर। आपने देखा, इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं डाला है। और गरम मसाला यानी कि खड़ा मसाला मैंने यहाँ पे एक चम्मच डाला है। अब इसको हम अच्छे से चला देंगे। आप देखिए गाइस, एक्स्ट्रा मैंने कोई मसाला नहीं डाला है। तो फिर इसमें जब थोड़ा सा पक जाएगा 5-10 मिनट, फिर इसमें 3-4 खड़ा लहसुन डाल देंगे। ठंडी का मौसम है, लहसुन बहुत ज़रूरी है। और फिर देखिए, हमारा जो चिकन है बहुत अच्छे से फ्राई हो चुका है, यानी कि तेल छोड़ चुका है, देख सकते हो। अब हम ग्रेवी के लिए पैन डाल देंगे, फिर 5 मिनट तक ही चलाना है, क्योंकि मेरा चिकन फ्राई हो चुका था। तो फटाफट हम गर्मा गर्म चावल के साथ हम चिकन को सर्व करेंगे। और आप देख क्या रहे हो, फटाफट आप भी आ जाओ खाने। और चिकन कैसा बना है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और फटाफट खाते हुए मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर दे। चले मिलते हैं नई ब्लॉग पे न्यू रेसिपी के साथ।